देश के विविध हिस्सों में कुछ दिन से स्कूलों में बच्चों पर हिंसा और प्रताड़ना की घटनाएं एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है। पूरी दुनिया में देश की राज्य की किरकिरी हुई, इसके बावजूद स्कूल में बच्चों की जबरदस्त पिटाई की घटना का सिलसिला लगातार जारी है। ये घटनाएं न केवल तकलीफ देह है बल्कि समाज के शिक्षित और विकसित होने पर भी सवाल उठाती है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इक्वालिटी न्यूज़। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। हरियाणा के करनाल में तरवाड़ी के रहने वाले एक छात्र के साथ गन्नौर के हॉस्टल में बबरता का मामला सामने आया है, जहां सातवीं कक्षा के बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। बच्चे के पिता नहीं है और माँ ने बेटे की अच्छी परवरिश के लिए उसे हॉस्टल में दाखिला दिलवाया था। परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल के कोच ने उनके बच्चे के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। गंभीर हालात में छात्र को करनाल के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छात्र युवराज की मां ने अपने बेटे को न्याय दिलाने की गुहार लगाई, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्टल में कोच द्वारा बच्चों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है और बच्चों को बाहर तक नहीं आने दिया जाता। युवराज है मेरे बेटे का नाम। गन्नौर में मैंने मार्च में दाखिला करवाया था उसका। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गया, मैं जॉब करती हूँ। मैं अकेली सोचती थी चलो मैं जॉब करती हूँ, बच्चे की परवरिश सही नहीं होगी तो मैं हॉस्टल में डाल देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की तरफ से, जो भी आप कहोगे। मैं बच्चे को 15 दिन में हफ्ते मिलने जाती थी। बच्चा ठीक था, वो सब सहमत होता, ये कहता था कि मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर अब मैं जब 12 तारीख को मिलने गई, बच्चे को फीवर था, मैंने कहा बुखार हो रहा, आपने दिखाया नहीं बच्चे को? कहते नहीं बच्चे ने बताया नहीं। बच्चा थोड़ी बताएगा कि मेरे को बुखार है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दिखाए बच्चे को, पूछे कि क्या हो रहा है उसको। सर गन्नौर में कॉन्वेंट, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। मारा किसने उसको? सर मुझे है कि चेतन ने मारा उसको। चेतन कौन है? चेतन शर्मा का कोच है। क्यों मारेगा वो, क्या वजह? मुझे नहीं पता सर इस चीज का, पर मेरे बेटे ने गिरा नहीं है कहीं से भी, उसको ना छटियों के निशान भी है यहाँ पे और सिर ऐसे करके मारे, यहाँ सारी हड्डियाँ टूटी हुई है मेरे बेटे के सिर की। आपको फोन आया था कि गिर गया बच्चा? नहीं सर, मैं 3 दिन से कह रही हूँ कि मेरी बात करवा दो, मेरी बात करवा दो, कोई मेरे से बात नहीं करवाया। मैंने चेतन सर से, मैंने हर रोज सुबह से हम फोन किया, मैंने कहा सर मेरी बात करवा दो युवराज से, उसको बुखार था, दवाई उसने ली है या नहीं लिया? मैं दवाई दिलवा के लेके आई थी गन्नौर से उसको, वो कहता है कि मैंने दे दी है दवाई, बच्चा ठीक है। मैंने कहा सर बात करवा दो मेरी, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं करवाई उससे। फिर मैं कल ऐसे अचानक मिलने गई, मैंने कहा मैं मिल के आती हूँ, मेरा मन ना वैसे हो, मैं मिल के आती हूँ बच्चे को। तो मैंने पानीपत जाके फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं आ रही हूँ, बैग पैक कर दो युवराज का और हॉस्टल से बाहर ले आना। और वो अंदर नहीं जाने देते थे हॉस्टल में, हॉस्टल सर उन्होंने जेल की तरह बनाया हुआ, अंदर से भी लोग बाहर से भी लोग सारी जगह से लोग लगाए हुए, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते बिल्कुल भी। और वो चेतन है ना सबली लेके बच्चों को इतना टॉर्च करता है ना बच्चा, उन्होंने बोला कि भी बच्चे को ना हॉस्पिटल लेके आया। मैंने कहा क्यों क्या हो गया बच्चे को? कहते नहीं थोड़ी सी चोट लगी है। मैंने कहा कितनी चोट लगी है, कैसे चोट लगी? तो मैं हड़बड़ा गई एकदम से, मैंने कहा आप मुझे लोकेशन भेजो उसको। और सारे फरार, कोई मुझे नहीं मिला, मेरे बच्चे के कानों से नाक से खून आ रहा था, मैं गई वहां पे जोड़ लगी है सर, उसको सर सारे सारी हड्डी टूटी। सर मैंने 112 पे फोन किया था वहीं पे, तो पुलिस आई थी, मैं बच्चे को लेके हॉस्पिटल निकल गई थी। मुझे नहीं पता उनसे क्या बात हुई है क्या नहीं बात हुई, हॉस्टल वालों का किसी का फोन नहीं आया मेरे पास। एक बंदे का फोन आया था मेरे पास, कहता मैडम जी मैं आपके साथ हूँ, मैं यहाँ का ओनर, पता नहीं कुछ ऐसे बोला उन्होंने, मुझे कुछ याद नहीं है। दिनों दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई ना कोई जातिवादी मानसिकता का शिकार हो रहा है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख ने भी कहा था कि लोगों को अधिकार देने का कानून अकेले बदलाव नहीं ला सकता, इसके लिए दिल और दिमाग को भी बदलने की जरूरत है। क्या ऐसा हो रहा है, जरा सोचिए। इस विषय पर आखिर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपसे जुड़े हर जरूरी मुद्दों को सही तरीके से उठाने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपकी मदद हमारी ताकत बनेगी। फेसबुक पर वीडियो के नीचे स्टार ऑप्शन पर क्लिक कर आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।